देखिए, हमारी ये वर्किंग कमेटी की रूटीन मीटिंग है, हर 3-4 महीने में होती है। इधर जो कि हज का मौसम था तो कुछ देरी हो गई, हज का ख़त्म हो गया है तो वो हो रही है। उसमें सारे वही एजेंडे हैं जो हर मीटिंग में होते हैं, दारुल क़ज़ा का मसला, इस्लाह माशरा का मसला, और बाबरी मस्जिद के मुकदमात के ताल्लुक से उसकी रिपोर्ट, और पर्सनल लॉ से मुतालिक दीगर मुकदमात की रिपोर्ट। ये सब चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे वहाँ। और ये तो इत्तेफाक है कि मीटिंग जो जब हो रही तो बाबरी मस्जिद के मुकदमे की बहस भी चल रही। अब हम क्या करें, हमें तो मीटिंग करना थी। पिछली मीटिंग जो हुई थी वो रमज़ान से पहले हुई थी, नॉर्मल मार्च या अप्रैल में। तो हमारे वहाँ उसके बाद ये तरीका होता है कि ईद के बाद फिर लोग हज के लिए जाते हैं, तो उस ज़माने में नहीं किया थी ताकि लोग आ जाएं वापस। तो अब हज का मौसम ख़त्म हुआ है तो अब वो मीटिंग रखना पड़ेगी। इस पे कुछ खास इस बात पे नहीं, कोई चुकी खास, देर देखिए लगी है खास या कोई नहीं बाबरी है। मस्जिद को लेकर के या कुछ इसको लेकर नहीं, के कोई खास बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि ये तो उसमें बाबरी मस्जिद का मसला हर मीटिंग में आता है। हर मीटिंग में जो है वो ये बात आती है कि क्या मुकदमे की प्रोग्रेस है, या उस वक्त तो मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, तो इसलिए ये तो कोई ख़ास बात इसमें नहीं होगा। पर ये हमें कह सकते हैं कि इस तरीके के इश्यूज जनरली डिस्कस जरूर हो, वो जो जो मेंबर्स होते हैं उनको इत्तला दी जाती हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, हर मीटिंग इस होता है, हर मीटिंग में ये इशू आता है, कोई पहली मरतबा नहीं आ रहा है। केस में। देखिए, हम तो पर्सनली उनमें से बहुत से लोगों को जानते हैं, मुझे पता नहीं कि कौन लोग ज़्यादा और थे उसके अलावा, लेकिन 8-10 लोगों में जानता हूँ। खुद जमीरुद्दीन शाह को भी जानता हूँ जो वाइस चांसलर रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमान कितना जानते हैं? 0.01% मुसलमान भी नहीं जानते हैं। तो इनकी बात का हम क्या वजन दें? जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अभी तक कहते रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अकीदा, सारे उलमा कहते हैं, सारे मुसलमान कहते हैं कि हम अपने शरीयत के लिहाज से इसका हक़ ही नहीं रखते कि मस्जिद किसी को दे दें, या मस्जिद को बेच दें, या मस्जिद को एक्सचेंज कर दें। तो ये लोग, इनमें से कोई ऐसा मोतबर आलिम ही नहीं है, तो इनकी बात को मुसलमान क्या मानेंगे? तो जब इनको मुसलमान जानते ही, तो हम क्या इनकी बात के ऊपर अमल करें? तो हम तो इनकी बात को बिल्कुल ख़ारिज करते हैं, हम इस पर कोई गौर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात उलमा मुल्क के वो जाने जाते हैं आवाम में, उनमें से कोई इसमें नहीं है। लिहाजा इनकी बात पर डिस्कशन करना बेकार, वक्त ज़ाया करना है। अभी कह सकते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं क्या अब क्या वजह हो सकती है मैं इस पर इनके नहीं जाना चाहता, मैं उनके मोटिव पर नहीं जाना चाहता, क्यों कर रहे हैं ये वो जाने, और अगर उनमें हिम्मत हो तो जाके मुस्लिम आवाम को समझाएं। अगर लखनऊ में मीटिंग हो रही, लखनऊ के मुस्लिम आवाम रहते हैं जहाँ पर, वहाँ तो रहता नहीं कोई हयात हॉस्टल, हयात होटल के पास, ओल्ड लखनऊ है, ये सिटी एरिया है, यहाँ कहीं मीटिंग करके आवाम को समझाते? एक ज़िले में भी है मुस्लिम आवाम को, या पूरे सूबे के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को, 10-20 लोग बैठ के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई फैसला कर दें, उसको मुसलमान थोड़े मानेगा? तो इनकी कोई मुसलमानों में कोई हैसियत हो तब तो हम भी गौर करें। हम जानते हैं मुसलमानों को, इनकी हैसियत नहीं, 0.01% मुसलमान भी इनको जानते ही नहीं।